नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष निकवर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। साथ ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कशन करने वाले हैं पूरा का पूरा जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं इसमें से कोई भी स्क्रिप्ट को या फिर स्टॉक को या फिर इंडेक्स के किसी भी लेवल पे आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, और आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जो है वो जरूर लीजिए। तो आइए यहां पे शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एजुकेशनल वीडियो। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो भी लेवल्स कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसकी परफॉर्मेंस के साथ में। शुरुआत करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों बैंक निफ्टी में कल हम लोगों को एक गैप डाउन जो है वो ओपनिंग देखने को मिला था, और उसके बाद में एक साइडवेज देखने को मिला था। यहाँ से एक अप ट्रेंड जो है वो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिला था जो कि HDFC बैंक की वजह से था, लेकिन ऑप्शंस पे कुछ ज़्यादा मूव्स हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। ओवरऑल बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा मूव्स कल हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी में हम लोगों को एक डाउनफॉल देखने को मिला था, और जब यहाँ से ये ऊपर की साइड में कैंडल्स बना रहा था तभी मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो शेयर किया हुआ था हमारी टेलीग्राम चैनल पे। साथ में ये भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ था कि ये ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में कोई भी बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्टेड नहीं है, निफ्टी में फॉल आने के ही चांसेस है। और एक बहुत ही बेहतरीन हम लोगों को ट्रेंड जो है डाउन साइड में निफ्टी में देखने को मिला था। ओवरऑल दोस्तों इन लेवल्स के साथ में हमारी 90% की एक्यूरेसी बरकरार है, और मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही मेंटेन रखने की। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एलाइज ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो दिया हुआ है। लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरे प्लैटिनम ग्रुप को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे मैं अपने लाइव मार्केट के जो सेटअप्स है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करते रहता हूं। तो उसका लाभ आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में उठा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ। इसके बाद में वीडियो में अगर जाकर के हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में, लेकिन स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करना सीधा टिप्स में आ रहा था, इसीलिए हम लोगों ने कुछ दिन को ले हमारा वो सीरीज है उसे स्टॉप करके रखा हुआ है। लेकिन अगर से आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं तो आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी मेरी स्ट्रैटेजी स्क्रीनर सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर करके रखी हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैनल के आप लोग चेक कर सकते हैं, अपना स्टॉक सिलेक्शन आप खुद कर सकते हैं मेरी स्ट्रैटेजी के साथ में। हम लोग यहाँ पे मूव ऑन करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स के साथ में। पहले तो इसका एक बार प्रेडिक्शन जो है वो चेक कर लेते हैं। निफ्टी के साथ में शुरुआत करेंगे दोस्तों, निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी में एक डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर इसे फेक ब्रेकआउट मिल भी जाता है तो यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कल के दिन में नेगेटिव ट्रेंड की मार्केट में एक्सपेक्टेशंस लग रही है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स के बारे में बात करके तो वो भी हाल फिलहाल में हम लोगों को नेगेटिव ट्रेंड में ही दिखाई दे रहे हैं। 22,175 के नीचे यहाँ पे निफ्टी वीक हो सकती है। 22,121, 22,062, 21,988 और 21,930 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 22,220 के ऊपर निफ्टी बुलिश हो सकती है। 22,293, 22,364, 22,427 और 22,503 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स और इंडेक्स के जो भी लेवल्स हम लोगों ने एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कशन किया हुआ है, इसको अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के लिए टेस्ट करना है तो सबसे बेहतर टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, वो है 5 मिनट की टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया है कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लग रही है, अब ऑब्वियसली चीज है ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस पे ट्रेड करना मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट की जो हम लोगों की यहाँ पे कैंडल है वो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग जो है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग उसे कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सपोर्ट जो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के तौर पर भी काम करता है। वहां पर भी मैं 5 मिनट
टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक जो है इसके प्रेफरेंस देता हूं 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग के लिए। अब दोस्तों यहां पे कैंडल क्लोजिंग कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है, जो कि आप लोग वॉल्यूम देख करके जो है यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज पे भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है। जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, अपसाइड के लेवल्स या फिर डाउनसाइड के लेवल्स, ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम जो है वो लाइव मार्केट में करते हैं। साथ में दोस्तों मेरी मैजिकल लेवल्स की जो थियरी है, इसके बेसिस पे जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किए हैं, इन स्टॉक्स के साथ में जो हमारा लेवल 3 होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहां से रिवर्सल्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। साथ में इंडेक्स यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, इन लेवल्स के साथ में लेवल 4 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सल का लेवल होता है, जिसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना जो है वो होता है। बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है और ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है। सो ओवरऑल यहाँ पे अगर कुछ फेक ब्रेकआउट मिल भी जाता है तो निफ्टी के बाद में बैंक निफ्टी में भी कल एक नेगेटिव ट्रेंड की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लग रही है। 47,500 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जिसके नीचे बैंक निफ्टी वीक हो सकती है। 47,356, 47,171, 46,958 और 46,748 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 47,620 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है, 47,726, 47,850, 47,977 और 48,118 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। सो दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक देकर के रखा हुआ है, जहां पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।